100% में से 10% लोग अपने से खुद से पढ़कर पास हो जाते हैं, अच्छे से नंबर दिला लेते हैं, उन लोग को टॉपर भी बोल देते हैं हम लोग, लेकिन 90% लोग बेचारे लोग को दिक्कतें हैं इसमें, तो हम उन लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये 90% आपका एग्जाम मार्च में होता है या फिर अप्रैल में होता है, यही रेंज में होता है, अब यही यही बीच में होगा आपका एग्जाम, ठीक है ना, इसी के रेंज में ही। तो आपके पास टाइम कितना है देखो, नवंबर दिसंबर, इसमें देखा जाए तो नवंबर यहाँ से पूरा है, दिसंबर आपके पास पूरा है, जनवरी आपके पास पूरा है और फरवरी आपके पास पूरा है, मतलब 4 मंथ का आपके पास समय है, 4 मंथ में आप आराम से चीजें को कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बीए बीकॉम बीएससी की सभी स्टूडेंट्स लोगों के लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन वीडियो देने जा रहा है। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेट करके सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल मिलते जाएगा। इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम कॉलेज में, मैं बोल सकता हूँ कि 100 कॉलेज में से 90 कॉलेज में, 90% कॉलेजेस में अच्छे से टीच नहीं करते हैं, और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि कैसे इस चीज़ को किया जाए, तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे इंग्लिश में आप अच्छे नंबर ला सकते हो अपने कॉलेज में। बीए बीकॉम बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पूरा एक कंप्लीट गाइडलाइन वीडियो है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हो, और आपके पास अभी टाइम है, यू हैव टाइम, प्लीज फोकस द क्लास और ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, इसके बाद आपको पूरा स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगा। हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट में कितने यूनिट हैं और कितने नंबर के आते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ समय पहले प्रीवियस ईयर का एक वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखे हो तो देख सकते हो, उसमें बताया भी था डिटेल के साथ कितना नंबर क्या आया था, ऐसा करके 75 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, 5 यूनिट होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो यहां से शुरू होता है हमारा मेन प्लानिंग कि आप कैसे करोगे इस एग्जाम में, आप कैसे ज्यादा नंबर ला पाओगे, इस चीज को अगर लेकर चलते हैं। कुछ लोग तो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि हम पास कैसे हों, हाँ वो लोग भी देख सकते हैं कैसे पास हो जाओ, एटलीस्ट पास होना तो सीख जाओगे। प्रॉब्लम बहुत सारा है, कभी कुछ ही हाल में बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से जब बातें किया तो मेरे को समझ आया कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग नाउ, तो मैंने फिर सोचा कि इसमें कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। चलो ठीक है, तो सोल्यूशन में हम डिस्कस करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं 5 यूनिट कौन कौन सा है। पहला यूनिट जो आता है आपका, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आंसर खुद से कैसे लिखें, ये प्रॉब्लम है ना, यही हो रहा है दिक्कतें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम रट के तो लिख लेते हैं, लेकिन बात आती है जब खुद से लिखने की तो थोड़ा सा दिक्कतें होती है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खुद से कैसे लिखोगे आप आंसर, रट कर तो लिखना पॉसिबल है मानता हूं, लेकिन 15 मिनट है ना, 15 मिनट में कितना रटते रहोगे ये भी तो देखो। तो दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, एक और तरीका। दूसरा यूनिट आपका क्या है ये देखो, पहला यूनिट में 15 नंबर का आता है याद रखना। दूसरा यूनिट आपका होता है ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखना होता है आपको। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए, कैसे स्टेप फॉलो करना चाहिए उसके लिए, तो अभी तक मैं देख रहा हूँ जैसे कि लॉकडाउन अभी 2 बार हो गया, तो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हुए आए हो, अभी 3rd ईयर वाला आए हो, लोग भी कॉलेज के अभी एग्जाम्स दिलाए नहीं है बैठ कर, और 1st ईयर 2nd ईयर का तुम्हारो बोली अभी वो लोग भी मतलब फेस किए ही नहीं है, तो आप सभी लोग के प्रॉब्लम्स तो है, तो इसका सोल्यूशन में अभी डिस्कस करेंगे। ऐसे कैसे लिखना चाहिए आपको ये भी दिखाएंगे, ऐसे में क्या प्रॉब्लम है, लोग रटते हैं उसको भी, ठीक है। तो रटना है तो इंटेलिजेंटली रटना है, स्मार्ट तरीके से रटना है, तो कैसे रटेंगे और खुद से आंसर कैसे लिखेंगे इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा चीज आता है प्रीसिस राइटिंग, आपको प्रीसिस राइटिंग लिखना है, पैराग्राफ दिया है उसको छोटा करके लिखना है, तो कैसे लिखें इसमें, ये भी एक खेल है, ये भी थोड़ा सा कला है, आर्ट है, सीखना तो पड़ेगा ना, डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा सिलेबस को पहले बता रहा हूँ वीडियो में, 3 यूनिट तो हमने डिस्कस कर लिए, 4th यूनिट क्या होती है, 4th यूनिट में आपका रीडिंग कम्प्रेहेंशन पूछे जाते हैं। रीडिंग कम्प्रेहेंशन में 5 नंबर का होता है, एक पेसेज दिया होता है अनसीन वाले, उसको पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर 5 क्वेश्चन को अपने से लिखना होता है उस पेसेज के अनुसार। तो बहुत लोग लिख लेते हो मेरे को पता है, उसी से लाइन देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर, बट उसमें भी कुछ तरीका अप्लाई करना पड़ेगा ना। अब इसी यूनिट में ही, 4th यूनिट में ही बात करें तो वैकेबलरी वाले क्वेश्चन होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और लोगों को लगता है कि इसको क्या करें, कुछ लोग रट लेते हैं, कुछ लोग नहीं रट पाते हैं, तो रटने का तरीका भी बहुत आसान होता है इसका, बताऊंगा देखना वीडियो में लास्ट तक, पता चल जाएगा आपको, सारी चीजें पता चल जाएगी। अब उसके बाद आता है लास्ट यूनिट, 5वां यूनिट, जो बहुत ज्यादा नंबर का आता है, 25 नंबर रहता है अप्रॉक्स, या फिर 20 नंबर अप्रॉक्स, यही रहता है ना, ग्रामर, ग्रामर वाला पोर्शन,
तो ये क्या चीजें हैं, इसको कैसे करें। ग्रामर तो आप लोग को पता है इंपॉर्टेंस कितना है, कुछ लोग कर पाते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते, सभी टॉपिक को नहीं कर पाते, सभी टॉपिक को करना भी नहीं है आपको। 30 क्वेश्चन दिए तो 25 बनाना रहेगा, 25 क्वेश्चन दिए तो 20 बनाना रहेगा, ऐसी रहता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 20 टॉपिक पूरा क्लियर करना पड़ेगा बेसिक। अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजों में करेंगे, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, पेज में आते हैं, कॉपी पेन में दिखाता हूँ आपको पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल के साथ। आप कॉपी पेन में मतलब दिखाओगे तो बने रहे वीडियो में, और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ना, ऐसा नहीं कि मतलब आधा अधूरा देखिए और समझ नहीं आया हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। पूरे ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड करो उस चीज़ों, समझो कि कैसे करना है क्या करना है। खैर देखो मेरा एग्जाम वगैरह तो कुछ नहीं है, बट मैं आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए चीज़ें बना रहा हूँ, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब हम अपना स्ट्रेटेजी में बात करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी क्या चीज़ है, कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो आप एग्जाम्स दिलाने वाले हो उसमें आपका 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 आपका क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर का, आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अच्छा बता दें टोटल 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और आपको 3 घंटे दिए होते हैं एग्जाम में टाइम, ठीक है ना। तो अब चीजों को एनालाइज करते हैं। यूनिट 2 क्या होता है इसको देखो, लेकिन हाँ आंसर क्वेश्चन खुद से कैसे लिखें, चलो आपको गाइड को लिखाते हैं। ये जो आप लोग गाइड यूज करते रहते हो ना, इसमें पूरे चीजें ढंग से दिया नहीं होता है, देख लो यहीं पास चीजें समझ आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आंसर, एसे राइटिंग, प्रीसिस राइटिंग, रीडिंग कंप्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये जो 5 पोर्शन है आपका एग्जाम में जो पूछा जाता है 15 नंबर का, उसके बाद इसे राइटिंग 10 नंबर का, प्रीसेस राइटिंग 10 नंबर का, ये आपका होता है अप्रॉक्स 5 नंबर का होता है, वोकैबुलरी इसमें रहता है 10 नंबर का होता है, ठीक है ना। 5-5 नंबर का डिवाइड रहता है चीज़ें, और यहाँ पास जो ग्रामर पोर्शन है वो 25 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से टोटल 75 नंबर का लाता है। चलो दिखा देते हैं इधर, ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में पहला पार्ट यहाँ पास दिया गया, लेसन जो है यहाँ पास कोई स्टोरी को नहीं बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है और इसका आंसर। गाइड में तो ऐसे रहेगा ना, क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट। अब लोग क्या करेंगे, इसको रटना शुरू कर देंगे, इसको पढ़ेंगे रटेंगे, इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को फिर रटेंगे। मतलब सभी का तो नहीं बात करूंगा, 10% लोग टैलेंटेड भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 100% में से 10% लोग अपने से खुद से पढ़कर पास हो जाते हैं, अच्छे से नंबर भी ला लेते हैं, उन लोगों को टॉपर भी बोल देते हैं हम लोग। लेकिन 90% लोग बेचारे लोग को दिक्कतें हैं इसमें, तो हम उन लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये 90% लोग कैसे कर सकते हैं अपने एग्जाम में, एक बोल सकते हैं कि पहले पास होने के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, और दूसरा चीज़ अगर बात करें तो अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। हम दोनों चीज़ में डिस्कस करेंगे, गुड मार्क्स कैसे यहाँ से अचीव किया जा सकता है, कैसे गेन किया जा सकता है इस एग्जाम से। तो अब पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ मैं। ये जो आंसर जो दिख रहा है, ये जिसकी यूनिट 2 है इसमें फिर से कुछ आंसर दिख रहा है, इसको अपने से कैसे लिखें, ये बात आती है। खुद से कैसे लिखें, तो खुद से लिखने का तरीका होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद से कैसे लिखें, कैसे लिखें जी बताओ, हाउ टू राइट। आपको एक काम करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी, चाहे दोनों चीजें बोल दो एक ही चीजें हैं, इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू हिंदी, ये ट्रांसलेशन आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कत बना ही रहेगा। ये आपका 3 चीजों में काम आएगा, ये जो बोल रहा है ना हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसको भी बताएंगे, अभी सिखाएंगे। देखो ये जो पहला जो यूनिट है इसमें तो काम आएगा ही, दूसरे यूनिट में भी काम आएगा आपका। दूसरा यूनिट देखो यहां से शुरू होता है आपका एसे राइटिंग, एसे राइटिंग भी अपने से लिखना होता है, ऐसा मत लिखना ये जो दिया है वैसा मत लिखना, 10 नंबर का होता है, आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करना होता है। यूनिट 2 का बात करता हूँ, मान लो जाए मैं यूनिट 2, इसमें आपको ऐसे राइटिंग करना है, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे राइटिंग करना है आपको। तो इसको कैसे किया जाता है, अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ कॉमन चीजें, तो फिर ये आपका पहला पेज है, इस पहले पेज में आपको पहले टाइटल डालना होता है, यहाँ पास जो भी टॉपिक दिया है उसको, उसके बाद यहाँ पास आउटलाइन डालना होता है, आउटलाइन में फिर जितना भी चीज़ डालने वाला है उसको 0.1, 0.3, 0.4, 0.8 ऐसा करके डालना होता है, फिर कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन,
ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पास क्या चीज डालने आप, ये बात आती है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, पहला चीज आपको बताऊं तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन से शुरू करना पड़ेगा, या फिर एक अलग से वीडियो प्रॉपर बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे आप ऐसे राइट करते हो, ऐसे राइट कैसे करना चाहिए, टेक्निक है ना, टेक्निक कैसे, वो चीजें बाद में बात करेंगे। ये टेक्निक भी जान जाओगे उसके बाद भी एक प्रॉब्लम रहेगा, इंट्रोडक्शन डाल दिए, कंक्लूजन डाल दिए लास्ट में, चलो ठीक है फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन, और उसके बाद और क्या क्या प्रॉब्लम बचा रहेगा, बीच में आप टाइप डालोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज डालोगे, डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, ठीक है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक डालोगे, या फिर बहुत सारे पॉइंट आएगा उसके अंदर में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ओके, तो ये सब टॉपिक को डिटेल के साथ अलग डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम रहेगा आपको, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चीजें सीखना पड़ेगा। ये चीज आपका आता है अच्छे से तो आप इसको अपने से अपने मर्जी से लिख सकते हो, खुद से लिखना है ना, खुद से, जैसे कि हिंदी में आप अपने से लिखते हो, एक बार पढ़ लेते हो, समझ लेते हो टॉपिक को, टॉपिक को समझना भी जरूरी है ना, टॉपिक को आपने पढ़ा समझा उसके बाद अपने मर्जी से लिखते हो अपने वर्ड में, तो वैसे ही इंग्लिश में ये भी करना है। तो इसको करने से पहले आपको ये चीजें सीखना पड़ेगा, ये चीजें सीख गए तो ये भी कर सकते हो बड़ा आसान तरीके से, फेंक कर लिखने वाली जो बात कर रहा हूँ उसका। अब उसके बाद चलते हैं यूनिट थ्री को, यूनिट थ्री को दिखाते हैं आपको, इसको पेज को हटाओ, कहाँ गए, यूनिट थ्री ये रहा, इसमें है प्रेसेस राइटिंग। प्रेसेस राइटिंग कैसे करना चाहिए, ये आपको एक दिया है, अनसीन पेज दिया है एक, इसको आपको पढ़ना है, रीडिंग कंप्रेशन टाइप का, देखो पढ़ना है इसको, और इसके बाद इसको ना छोटे फॉर्मेट में लिखना है। तो ये कला होती है, ऐसे नहीं सभी लाइन को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद कुछ लाइन को इसमें से कुछ वर्ड्स को कम करना होता है, यहाँ पास वर्ड्स का खेल है, इस लाइन में और इस लाइन में दोनों लाइन को मिलाकर एक वर्ड क्या बनाए, या फिर दोनों लाइन को हटाकर एक लाइन कैसे बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला लाइन को लिख दिया नीचे वाला लाइन को काट दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग वैसे ही करते हैं, पहला लिख दिया दूसरा छोड़ दिया तीसरा लिख दिया चौथा छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से नहीं। मैं आप लोग को इसको अलग से सिखाऊंगा डिटेल के साथ, अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, बना देंगे इसमें भी अलग से एक वीडियो डिटेल के साथ आपको समझा देंगे। तो इसमें भी तो लेकिन काम क्या है, ये देखो ना, ये चीज जो लिखा है उसको समझ में तो आना चाहिए ना, तो ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने आना चाहिए ना आपको, तभी तो आप अपने वर्ड में लिख पाओगे इसको, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे ट्रिक भी बता देंगे छोटा मोटा कैसे सॉल्व करोगे, बट बता रहे हैं कि कुछ होता है ऐसा चीजें उसको। अब यूनिट नंबर फोर की ओर आगे बढ़ते हैं, इसमें है रीडिंग कंप्रेशन, ये भी आपको वही खेल है, पढ़ो रीड करो, मतलब इंग्लिश का हिंदी से ट्रांसलेट करो फिर उसका आंसर दो, ये चीजें अगर आपको आता है तो ये भी कर लोगे आप, आंसर अपने से खुद से लिख लोगे, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप समझ पा रहे हो आप लोग, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये चीजें ट्रांसलेशन सीखना काफी जरूरी है आपको, और ट्रांसलेशन सीखने के लिए क्या जरूरी है ये भी थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा मैं, मतलब वीडियो के बीच में ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। आप आगे बताते हैं वैकेबुलरी वाले पोर्शन, यूनिट टू का वैकेबुलरी वाले पोर्शन में पांच नंबर का पूछते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक है, वैकेबुलरी स्ट्रांग कैसे करना चाहिए, काफी कुछ इसमें चीजें होती है, एक दो चीजें नहीं दिया रहता है, सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है उसको कैसे स्ट्रांग करें, या फिर कोई भी वर्ड्स दे दिया है उसका आप कैसे सेंटेंस बनाओ, यहाँ पास सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा है ना, देख सकते हो आप, इसका यूज करो और सेंटेंस बनाओ, बोल रहा है सैड और सेड और सैड का मतलब चीजें का सेंटेंस बनाओ। लॉ और लो, लॉ मतलब कानून, लो मतलब नीचे नीचा, ठीक है, हाई मतलब ऊपर, ऐसा इन दोनों का यूज करके आप सेंटेंस बना बोल रहे हैं, ऐसा अलग अलग टॉपिक है, इसमें एक दो टॉपिक की बात नहीं करें, जैसे एम है तो एम का उद्देश्य को कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, कर सकते हैं, जब आपको सेंटेंस बनाने आ जाएगा तो कैसे नहीं कर पाओगे। और ये जो टॉपिक जो है बार बार वही रिपीट होते रहता है, तो इसको भी आपको करने का तरीका भी डिस्कस करते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इस सब वर्ड्स को पहले लिखना है, हिंदी मीनिंग देखना है, अपने से अपने कॉपी में नोट करते हुए जाना है, और इसका आंसर अपने से खुद से लिखना है, ठीक है, रटना नहीं है, इनका आंसर को नहीं लिखना है, आपको अपना आंसर बनाना है, गाइड का आंसर को फॉलो नहीं करना है, गाइड का आंसर फॉलो करते रहोगे तो सीख कहाँ पाओगे, एग्जाम में वही रटने वाली बात हो जाएगी, इसी को रट कर लिखोगे, इससे अच्छा है कि आप अपना आंसर लिखना, अपना आंसर लिखने का इसमें आदत बनाओ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाकर दिखा दूंगा ताकि इसमें समझ आ जाए आपको। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा एंटोनिम सिनोनिम से याद करने का एकदम बेसिक सा तरीका होता है, उसका फैमिली मेंबर को जान जा सिनोनिम्स का जितने भी होते हैं, आपका यहाँ पास लिख नहीं रहा हूँ,
अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 क्या है जी? ग्रामर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होता है, अप्रॉक्स 25 से 30 टॉपिक कवर होता है, तो उन सभी टॉपिक को आपको सीखना है डिटेल के साथ, और सीखना बहुत ही आसान है। मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम लैप करके एक प्लानिंग बताता हूँ ना। अभी देखो एक समय चक्र बना रहा हूँ जिससे आपको देखकर आसानी से समझ आ जाएगा चीज़ें कैसे डिवाइड करते हैं समय को हम लोग। ठीक है, मैं कैसा प्लानिंग बनाता हूँ अपना, ये देखो, ये आपका जनवरी है और अभी चल रहा है आपका अक्टूबर। ठीक है ना, तो अक्टूबर का आज कितना तारीख, ये भी देख लो, आज अप्रॉक्स 16 तारीख है, 16 अक्टूबर है। तो ये जो टाइमलाइन है इसको देखकर आप जान सकते हो फरवरी मार्च, आपका एग्जाम मार्च में होता है या फिर अप्रैल में होता है, यही रेंज में होता है, यही बीच में होगा आपका एग्जाम। ठीक है ना, इसी के रेंज में ही। तो आपके पास टाइम कितना है देखो, नवंबर, दिसंबर, इसमें देखा जाए तो नवंबर यहाँ से पूरा है, दिसंबर आपके पास पूरा है, जनवरी आपके पास पूरा है और फरवरी आपके पास पूरा है। मतलब 4 मंथ का आपके पास समय है, 4 मंथ में आप आराम से चीज़ें को कर सकते हो। 4 मंथ्स इंक्लूडिंग 4.5 मंथ्स है, हाफ एंड 4 मंथ्स है आपके पास। तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करते हैं। समझो, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे स्ट्रेटेजी है, मतलब फिर भी आपको पहले ग्रामर में स्ट्रांग करना है। ग्रामर स्ट्रांग करके तभी तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट सीख पाओगे, ऐसे में कहाँ से सीख पाओगे। तो ग्रामर को स्ट्रांग करना है। अगर ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो बताओ आप, मैं क्लास लेते रहता हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 4.5 महीना काफ़ी टाइम होता है, इसमें आप पूरा इंप्रूवमेंट कर सकते हो आपके ग्रामर को डिटेल के साथ। इससे ये भी सीख जाओगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ें सीख गया तो अपना आंसर लिखना भी सीख जाओगे। समझ गया ना, तो क्या करना है अभी, चाहो तो अपना ग्रामर स्ट्रांग कर सकते हो मेरे साथ जुड़कर, मेरे क्लास में ज्वाइन होकर। बट कोई नहीं, आप अपना खुद से करना चाहो तो वो भी तरीका बता देता हूँ। यूट्यूब में जाओ, टॉपिक वाइज टॉपिक सभी ग्रामर को कंप्लीट कर लो, और कैसे स्टेप बाई स्टेप करना है मैं आपको पूरा प्लानिंग दे दूंगा। 3 महीने का, 3 मंथ का पूरा प्लानिंग दे दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज करो, मैं आपको अलग से दे दूंगा, आपको पूरा PDF दे दूंगा, एक PDF दूंगा जिसमें Day 1 में क्या करना है, Day 2 में क्या करना है, Day 10 में क्या करना है, Day 50 में क्या करना है, ठीक है, Day 50 में क्या करना है, 15, 50, और उसके बाद Day 100 में क्या करना है, पूरा 100 डे का पूरा प्लानिंग दे दूंगा। हर मतलब आप 100 दिन तक फॉलो करते हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जनवरी खत्म होते तक, ये जो है जनवरी के खत्म होते तक आपका सिलेबस रेडी हो जाएगा, आप बिंदास हो जाओगे। फरवरी में आप पढ़ोगे नहीं फिर भी आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको 50 से ऊपर नंबर आएगा 75 में। तो कैसे कर पाओगे ये चीज़ें, सिंपल सा तरीका अभी जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर। आपके पास 100 दिन है, 100 दिनों का यूज करके 100 डेज प्लान बनाओ आज से, और हर दिन उसमें वर्क करते चलो, और ज़्यादा समय भी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी टाइम देते हो काफ़ी है, 2 से 3 घंटे अपना निकालो, ओनली 2 से 3 आवर्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ आपको मैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंडर में ही आप पूरा कवर कर लोगे अपने पूरे सिलेबस को। चलो ठीक है, मैं अगले पेज में और दिखाता हूँ चीज़ों को और क्या करना है, हल्का सब चीज़ों को बताते हुए। ऐसे स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताएं, या वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ओके ना। तो ये तो करना काम कंपलसरी है, क्योंकि चीज़ें, हर चीज़ें फ्री में नहीं मिलता है। कम से कम लाइक करोगे तो वही समझूंगा आप लोग मेरे पे कर रहे हो, समझो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, हाँ, और कमेंट करना ना भूले। कमेंट इसलिए कर सकते हो आप कि हर दिन मैं अगर क्लास लगाऊं, अगर मेरे से क्लास चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए डेली एक क्लास लेकर दिखा दूंगा। लेकिन मैं आपका क्लास, मतलब ये जो लेसन वाला क्लास है उसको नहीं सिखाऊंगा, ये लेसन थोड़ी ना सिखाऊंगा जी, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, सबके लिए थोड़ी लेसन लगाते रहूंगा। सब में कॉमन चीजें क्या है उसको देखते हैं, कॉमन चीजें सिखाते हैं आपको, कॉमन चीजें क्या, खुद से कैसे लिखना सीख सकते हो, ये चीज को सिखाते हैं। खुद से अगर आंसर लिखना सीख गए तो फिर ठीक है, तो आंसर को आपको खुद से लिखना है, ये तरीका सिखाऊंगा मैं आपको ये कैसे करते हैं। तो ये अगर एक बार सीख गया तो फिर याद रखना कि आप कभी भी कहीं पास भी चीजें को यूज कर लोगे। तो लिखना सीखना है आपको, राइटिंग, और दूसरा चीज और सीख सकते हो साइड बाय साइड अगर चाहो तो आप, यह स्पीक करना, स्पोकन साथ में। तो ये 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स आप अपने लिए एक बार निकाल लो, लाइफ में आगे हमेशा काम आएगा। आप चाहो तो कर सकते हो अभी, ना चाहो तो आपकी मर्जी। एक काम करते हैं, वीडियो को तो स्टॉप करते हैं और सामने फ्रंट कैमरा से बनाते हैं। अब तो आपके पास अभी समय है, उसका यूटिलाइज कीजिए,
बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो 3 मंथ है, देखो 100 दिन का आपको प्लानिंग रखना है। आज 16 तारीख है, 16 अक्टूबर है, और आने वाले जनवरी के फिनिश होते तक आपका सिलेबस रेडी हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो सिलेबस आपका रेडी हो जाए और आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी पढ़ सकते हो। आपको मैं स्ट्रेटेजी बता दिया हूँ, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और नंबर अच्छे से लाओ, यही एक तरीका है, खुद से सीख सकते हो। और ये समय एक बार दे दो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि बचा के रखे रहें, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसा नहीं। समय आपका निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपको जनवरी आएगा निकल जाएगा, फिर आपको पता चलेगा फरवरी आ गया, 1 महीने में करूँ, तो रटने वाले भी स्ट्रेटेजी फॉलो होगी उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोलने वाला, सिर्फ रटो और पास हो बोलूंगा, फिर 1 महीना बचे रहेगा तो जिसको जो करना है करो। और ये चीज़ें भी फैक्ट देखने मिल रहा है कि आप लोग तो एग्जाम्स तो दिलाए नहीं हो, अभी फिलहाल 2 बार तो ऑनलाइन में ही पास हो चुके हो, और फर्स्ट ईयर वाले लोग तो अभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए बेचारे, चलो उन लोग के लिए नया है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले लोग का बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर वाले लोग तो इनफैक्ट अभी 2 बार तो वो लोग ऐसे ही पास हुए हैं। अब ऐसा देख के लग रहा है कि काफ़ी लोग फेल हो सकते हैं इस बारी, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं 60% लोग पास हो जाएंगे, 40% लोग पूरा फेल हो जाएंगे, 40% में अगर आप नहीं आना चाहते हो तो अभी आपके पास मौका है, आप 60% में आ सकते हो, आप पास होकर अपना नंबर अच्छा ला सकते हो। तो ये है सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी, और आपको मेरे से और पर्सनली और चीज़ें जानना है डिटेल तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है यहाँ पास, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, बाकी बातें वहाँ पास बता सकता हूँ आपको, और कुछ भी चीज़ें अगर आपको और कुछ भी चीज़ें मेरे से और जानना हो तो। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और पूरा स्ट्रेटेजी ऐसी देते रहूँगा, आप जो भी चाहोगे सारे वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाते रहूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।